3, 2, 1, 0. ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देख रहे हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि हमारे इसरो ने देश के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D3 से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ बता रहे हैं कि लॉन्चिंग यह कामयाब रही है और उन्होंने इस पूरी कामयाबी पर टीम को बधाई दी। यह सैटेलाइट क्या करेगा? यह पृथ्वी की कक्षा से बाहर करीब 475 किलोमीटर के ऊपर स्थापित किया गया और यह एक साल तक काम करेगा। EOS-08 सैटेलाइट का मकसद पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना है। इससे पहले इसरो ने 15 अगस्त को लॉन्चिंग की तारीख तय की थी और फिर इसे एक दिन बाद यानी 16 अगस्त को लॉन्च कर दिया गया। सबसे छोटा रॉकेट है SSLV, इसकी तीसरी लॉन्चिंग कामयाब रही, हालांकि पहली लॉन्चिंग फेल हो गई थी। सबसे छोटे रॉकेट SSLV की यह तीसरी लॉन्चिंग थी और इससे पहले दो प्रयास किए गए 2022 और 2023 में। इसरो को 2023 में हालांकि सफलता मिली थी लेकिन 2022 में पहली कोशिश नाकाम हो गई थी। पहली कोशिश हुई थी 9 अगस्त 2022 को, SSLV लॉन्चिंग हुई लेकिन फेल हो गई। रॉकेट की लॉन्चिंग तो ठीक हुई थी लेकिन बाद में रफ्तार और फिर रॉकेट में जो सेपरेशन होता है इस दौरान दिक्कत आ गई और इसके चलते इस लॉन्चिंग को बाद में रद्द कर दिया गया था। फिर दूसरा प्रयास कब हुआ? 9 फरवरी 2023 को। SSLV की दूसरी लॉन्चिंग हुई थी 2023 में। SSLV ने जो 3 सैटेलाइट लॉन्च किए थे उसमें अमेरिका का एक सैटेलाइट था जानूस 1, चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप का एक आज़ादी सैटेलाइट था 2 और इसरो का EO-7 इसमें शामिल था और 15 मिनट तक इसने उड़ान भरी और इसके बाद सैटेलाइट को करीब 450 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर ऑर्बिट में छोड़ दिया गया। अब SSLV की बारे में बात करते हैं। इसको डेवलप करने का मकसद छोटे सैटेलाइट लॉन्च करना है। इसके साथ ही PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होता है इसका इस्तेमाल अब तक लॉन्चिंग में बहुत ज़्यादा होता था, ये हमने देखा है। SSLV के चलते अब ये मिशन के लिए फ्री हो पाएगा, दूसरे मिशन जो होते हैं उसके लिए। SSLV 10 से 500 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 500 किलोमीटर दूर प्लेनर ऑर्बिट में ले जा सकता है। गर्व करने वाली बात तो यह भी है कि हमारा इसरो लगातार नई ऊंचाइयां छूता जा रहा है क्योंकि SSLV से एक नया कीर्तिमान बनाने वाले इसरो ने इससे पहले 5 फरवरी 2017 को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। इसरो ने अंतरिक्ष अभियान में एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। एक साथ ये लॉन्च किए गए और इसके एक साल पहले की अगर बात की जाए 2016 में, तो 2016 में भी इसरो ने सिंगल मिशन में 20 सैटेलाइट लॉन्च किए थे और उसके अगले ही साल इतने सारे। इसके बाद 15 फरवरी 2017 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन लॉन्चिंग सेंटर से PSLV-C37 लॉन्च हुआ था और उसके साथ 104 सैटेलाइट्स को भेजा गया था, अलग अलग देशों के थे। इसके पहले सिंगल मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड रूस के नाम पर था जिसने 2014 में 37 सैटेलाइट लॉन्च कर ये कीर्तिमान अपने नाम किया था, लेकिन भारत के या इसरो ने ये कीर्तिमान फिर अपने नाम पर कर लिया। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसरो ने गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग का एक वीडियो भी जारी किया है जिस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हमारे एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस जैसी एक जगह है, सिमुलेटेड कंडीशन जिसे कहा जाता है, उसमें उनको ट्रेनिंग हो रही है। और सोशल मीडिया साइट एक्स जो है इस पर ये वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें हमारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस मॉड्यूल के अंदर योगा कर रहे हैं। उन्होंने अंतरिक्षयान, जीरो ग्रेविटी और स्पेस में आने वाली जो दूसरी चुनौतियां होती हैं उसके हिसाब से उनको ट्रेन किया जा रहा है। बात इस अगर मिशन में शामिल एस्ट्रोनॉट्स की करें तो इसमें कौन कौन है? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ल इसके हिस्सा है। बताएं कि फरवरी के महीने में तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हमारा जो है वहां पर गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान किया गया था और ये ऐलान किया था प्रधानमंत्री मोदी ने। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स भेजे जा रहे हैं। 2024 के आखिर या 2025 तक की इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। 3 दिनों का यह मिशन होगा और एस्ट्रोनॉट्स के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंड कराया जाएगा। अगर भारत अपने मिशन में कामयाब रहता है तो वो ऐसा करने वाला पूरी दुनिया में चौथा देश बनेगा। इससे पहले ये किसके नाम था? अमेरिका, चीन और रूस ऐसा कर चुके हैं। आने वाली 23 अगस्त 2024 को भारत नेशनल स्पेस डे भी मनाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल इसी दिन पिछले साल इसरो का चंद्रयान 3 जो है वो चांद की साउथ पोल पर उतरा था। पूरा देश झूम उठा था, पूरे देश में नेशनल स्पेस डे की तैयारियां अब चल रही हैं।
इसरो चीफ ने भी देश भर के लोगों से इस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने की अपील की है। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी नेशनल स्पेस डे क्विज का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश के लोग हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन SSLV पर फिर से आते हैं और इसकी खूबियाँ आपको बताते हैं कि ये जो EOS-08 मिशन जो आज लॉन्च किया गया, इसकी क्या खास बातें हैं। SSLV है क्या ये? SSLV जो है ये हल्का रॉकेट है और ये छोटे सैटेलाइट्स को ले जा सकता है। ये हमने आपको बताया कि 10 से लेकर 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को ले जाने में ये सक्षम है। भारत का सबसे छोटा रॉकेट है, ऊंचाई करीब 34 मीटर के आसपास है। 500 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को धरती की जो लोअर ऑर्बिट होती है, निचली कक्षा होती है, वहाँ तक ये स्थापित कर सकता है। इसकी खूबी है, अभी क्या होता था कि अभी तक ये रहता था कि कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होना करना पड़ता था तो PSLV की ही मदद ली जाती थी। अगर कम सैटेलाइट हैं और PSLV का पेलोड कैपेसिटी अगर ज़्यादा भी है तब भी वो कम सैटेलाइट्स के साथ उसे भेजा जाता था या फिर इंतज़ार किया जाता था कि और हो जाए, जाहिर सी बात है। लेकिन अब क्या होगा कि ये SSLV आ जाने की वजह से PSLV फ्री हो जाएगा, बड़े मिशन में इसका इस्तेमाल हो पाएगा, बड़े मिशंस जो रहते हैं उसके अंदर इसरो इसका इस्तेमाल कर पाएगा। अब ये SSLV D3 रॉकेट से EOS-08 सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया गया है। इसमें 3 पेलोड होंगे और ये पृथ्वी की निगरानी करने के साथ ही पर्यावरण और आपदा को लेकर जानकारी भी हमें दे सकेगा सही समय पर। मिशन कितना लंबा चलेगा? ये मिशन जो है EOS-08 मिशन, इस बारे में बता रहे हैं आपको कि ये मिशन चलेगा करीब 1 साल भर के आसपास, ठीक है। और पूरे साल भर चलने वाले मिशन के लिए स्पेसक्राफ्ट को खास तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इसके पहले पिछला टेस्ट जो है ये SSLV D3 EOS-08 मिशन को फरवरी 2023 में भी लॉन्च किया गया था। अब ये पहले तो आप ये समझ लीजिए, शायद आप SSLV से समझ नहीं पा रहे हों तो आपको ये भी बता दें चलते चलते कि SSLV मतलब स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म है। तो SSLV आने के बाद अब एक नई क्रांति आने वाली है। आप समझिए कि इससे भी छोटे हो सकता है कि और SSLV से भी कोई नीचे वाला वर्जन भी लॉन्च किया जा सकता है जो और छोटी चीज़ों को अंतरिक्ष में स्थापित कर सकता है। लेकिन फिलहाल तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये कम खर्च में, वैसे भी आपको याद होगा कि इसके पहले जो 104 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड भारत ने साल 2017 में बनाया था, वो सबसे कम खर्च में इतनी ज़्यादा संख्या में सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड भी था। केवल बड़ी संख्या में सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड नहीं था बल्कि सबसे कम खर्चे में ये इसरो ने पूरा करके दिखाया। सबसे कम खर्च में चंद्रयान 3 का मिशन हमने पूरा करके दिखाया और इसीलिए हैरत में पड़ जाते हैं, चाहे नासा हो या दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियाँ हैं, वो सब हैरत में पड़ जाते हैं कि इसरो ये कमाल कैसे करते रहा है। लेकिन हमारा इसरो लगातार न केवल कमाल कर रहा है बल्कि हर भारतीय को इसरो पर गर्व करने का मौका भी लगातार दे।